आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पीएमएलए की अनुसूची में शामिल होने पर ही 120B के तहत आपराधिक साजिश का मामला बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चीन में बच्चों में फैल रही श्वसन संबंधी बीमारियों को लेकर घबराने की नहीं जरूरत, स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कही यह बात। तेलंगाना में 119 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जारी, चुनाव में 2290 उम्मीदवारों ने लिया हिस्सा, 221 महिला उम्मीदवार। महाराष्ट्र के 4 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एनडीए के 145वें पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड की समीक्षा। गरीब कल्याण अन्न योजना 5 साल बढ़ाए जाने पर बोले पीएम मोदी, कोई भूखा नहीं सोए, सरकार यह सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध। क्रिमिनल लॉ को बदलने की जल्दबाजी न करें, ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के तहत दंडनीय आपराधिक साजिश के अपराध को धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत सिर्फ सभी एक अनुसूचित अपराध माना जाएगा, जब कथित साजिश पीएमएलए के अनुसूचित में अपराध के रूप में शामिल हो। जस्टिस अभय यश ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यस वी राजू के उस तर्क को खारिज कर दिया कि पीएमएलए अधिनियम की धारा 2Y के तहत धारा 120B अनुसूचित अपराध से संबंधित है और इसके तहत ईडी अधिकारियों के पास अपराध की जांच करने की शक्ति है। कोर्ट ने कहा धारा 120B के तहत दंडनीय अपराध केवल तभी एक अनुसूचित अपराध बनेगा जब कथित साजिश पीएमएलए अनुसूची में विशेष रूप में शामिल अपराध करने की हो। उस धारा पर हम ईडी की कार्रवाई को रद्द करते हैं। दिनेश गुंडूराव चीना में बच्चों में फैल रही श्वसन संबंधी बीमारियों को लेकर मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी पर स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने बुधवार को कहा कि एडवाइजरी एहतियातन जारी की गई है, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करना जरूरी है। हालांकि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर राज्य के सरकारी व निजी अस्पतालों को तमाम जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं व उपकरणों आदि के साथ तैयार रहने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार से अगले दिशा निर्देशों तक हम इंतजार करेंगे, फिलहाल अस्पतालों को तैयार रखने और जनता को इसकी जानकारी देने तक ही मामला सीमित है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों के लिए आज गुरुवार 30 नवंबर को वोटिंग हो रही है। बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे राज्य भर के संबंधित मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मचारियों ने मतदान शुरू कर दिया। इससे पहले कर्मचारियों ने मॉक पोलिंग कराई। आदिलाबाद के जिला डाइट कॉलेज के मतदान केंद्र पर ईवीएम की खराबी के कारण मॉक पोलिंग में देरी हुई। राज्य में जहां 119 सीटों पर चुनावी हो रही है, वहीं 106 सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। इस दौरान 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोग आज वोट डालेंगे। समस्याग्रस्त क्षेत्रों में मतदान शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। चुनाव आयोग ने कहा कि सुरपुर, चिन्नूर, बेलमपल्ली, मंचरियाल, आसिफाबाद, मंथिनी, भोपालपल्ली, मुलुगु, पीनापाका और एलिंडू में मतदान शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। मतदान के लिए राज्य भर में 35,655 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 119 निर्वाचन क्षेत्रों में से 19 एसटी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है और 12 एसटी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य रूप से मुकाबला है। चुनाव में 2290 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। चुनाव में 221 महिलाएं उम्मीदवार हैं। आज गुरुवार 30 नवंबर को तेलंगाना राज्य में 119 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिला के जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र में जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र से बीआरएस उम्मीदवार के माणिक राव और भाजपा के उम्मीदवार रामचंद्र राजन रायमाहा ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। सुबह 7 बजे शुरू हुए मतदान में लोग अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। जहीराबाद से नियामतुल्ला की रिपोर्ट। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद
हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मतदाताओं से कहा कि आज घर बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, अपने घरों से निकले और वोट करें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना की गंगा जमीनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए सभी को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को तेलंगाना के लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के पूर्व को मजबूत करने का आह्वान किया। तेलंगाना में 119 सीट वाली विधानसभा के लिए बृहस्पतिवार शाम 7 बजे तक मतदान होगा। वहीं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 13 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान शुरू होने से पहले मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं तेलंगाना के अपने भाई बहनों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के पर्व को मजबूत करने का आह्वान करता हूं। उन्होंने युवा और पहली बार मतदान कर रहे मतदाताओं से भी बड़ी संख्या में इस पर्व में भाग लेने की अपील की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी तेलंगाना के मतदाताओं से अपील की कि वे बड़ी संख्या में घरों से निकले और प्रजाला तेलंगाना जनता का तेलंगाना के लिए मतदान करें। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, तेलंगाना के लोगों ने फैसला किया है कि वे वंचितों के लिए सुरक्षा कवच वाली एक पारदर्शी, लोगों के अनुकूल सरकार चुनेगी। पृथ्वी पर कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। प्रजाला तेलंगाना जनता का तेलंगाना सुनिश्चित करें। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, आज प्रजाला जनता दोराला समिति को हरा देगी। तेलंगाना के भाइयों और बहनों बाहर निकले और बड़ी संख्या में मतदान करें। बंगारू तेलंगाना बनाने के लिए वोट करें, कांग्रेस को वोट दे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, तेलंगाना की मेरी बहनों और भाइयों, मेरे सहोदरों, आपसे अपील की खूब सोच समझकर पूरे उत्साह और भरपूर ऊर्जा के साथ वोट दीजिए। वोट देना आपका अधिकार है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, वोट की शक्ति से प्रजाला तेलंगाना के सपने को पूरा करके दिखा दीजिए। अगली विदाई, जय तेलंगाना, जय हिंद। तेलंगाना में मतदान के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क करना शुरू कर दिया है। पार्टी के तेलंगाना से इकलौते विधायक टी राजा सिंह का दावा है कि बीआरएस बीजेपी के संपर्क में है। टी राजा सिंह के इस बयान ने तेलंगाना में एक नए समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। दरअसल इन चुनाव में बीआरएस और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। कई एग्जिट पोल में दावा किया गया है कि कांग्रेस को इस बार बहुमत मिल सकता है और बीआरएस सत्ता से बाहर हो सकती है। चर्चा है कि इस वजह से बीआरएस बीजेपी के संपर्क में आ सकती है और जरूरत पड़ने पर कांग्रेस को रोकने के लिए दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र के 4 दिवसीय यात्रा पर आई हुई है। उन्होंने गुरुवार सुबह पुणे के
खड़कवासला में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के 145वें पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड की समीक्षा की। इस दौरान वह आगामी 5वीं बटालियन की एक इमारत की आधारशिला भी रखेंगी। राष्ट्रपति भवन के अनुसार 1 दिसंबर को पुणे में मुर्मू सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे को प्रेसिडेंस कलर प्रदान करेगी। राष्ट्रपति डिजिटल तरीके से कंप्यूटेशनल मेडिसिन के लिए सशस्त्र बल केंद्र प्रजना का भी उद्घाटन करेंगी। उसी दिन नागपुर में मुर्मू सरकारी मेडिकल कॉलेज नागपुर के प्लेटिनम जुबली समारोह का उद्घाटन करेंगी। वहीं 2 दिसंबर को राष्ट्रपति नागपुर में राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के 111वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY को अगले 5 साल के लिए बढ़ाए जाने के बाद बुधवार को कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी भूखा न सोए। सरकार ने 81.35 करोड़ गरीबों को प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए PMGKAY योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, जिससे सरकारी खजाने पर लगभग 11.80 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नए आपराधिक दंड कानूनों पर जल्दबाजी नहीं करने की अपील की। उन्होंने हितधारकों के बीच आम सहमति बनाने का आग्रह किया। अमित शाह को लिखी चिट्ठी में ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा आपराधिक दंड कानूनों का राजनीतिक पर प्रभाव पड़ेगा। अमित शाह बुधवार को बंगाल दौरे पर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित सिलक्यारा टनल में 17 दिनों से फंसे मजदूरों को रेस्क्यू कर 28 नवंबर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद हर जगह जश्न का माहौल है। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित अपने आवास पर इगास पर्व का आयोजन किया। इस खास आयोजन में रेस्क्यू किए गए श्रमिक भाइयों के साथ सीएम धामी जमकर थिरकते नजर आए। सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकाले जाने की खुशी में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। इस खास मौके पर सीएम ने कहा कि मेरी दिवाली मंगलवार को आई, जब सुरंग के अंदर 17 दिनों से फंसे मजदूरों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि उत्तराखंड मना रहा जीत का इगास। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। PMLA की अनुसूची में शामिल होने पर ही 120B के तहत आपराधिक साजिश का मामला बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चीन में बच्चों में फैल रही श्वसन संबंधी बीमारियों को लेकर घबराने की नहीं जरूरत, स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कही यह बात। तेलंगाना में 119 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जारी, चुनाव में 2290 उम्मीदवारों ने लिया हिस्सा, 221 महिला उम्मीदवार। महाराष्ट्र के 4 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, NDA के 145वें पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड की समीक्षा। गरीब कल्याण अन्न योजना 5 साल बढ़ाए जाने पर बोले PM मोदी, कोई भूखा नहीं सोए, सरकार यह सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध।
क्रिमिनल लॉ को बदलने की जल्दबाजी न करें, ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।